नमस्कार, अब खबर कैथल से। कांग्रेस ने एक बार फिर तोड़ी बीजेपी की कमर। कैथल में कांग्रेस की होगी छोटी सरकार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2018 में अंत में जहां हरियाणा के में विधानसभा चुनाव, तो वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि ऐसे में इन चुनावों में पहले ही अपनी जीत का दावा करने वाली देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनावों में पहले कैथल में नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपनी शानदार जीत हासिल करते हुए बीजेपी को शिकस्त दे दी है। गौरतलब है कि 7 माह पहले बीजेपी के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज कैथल के लघु सचिवालय के सभागार में नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव हुआ। आज सुबह से ही लघु सचिवालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। कई बार कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प भी देखने को मिली। इसी बीच कैथल के विधायक रणदीप सुरजेवाला लघु सचिवालय में पहुंचे और अपनी जीत के प्रति काफी आश्वस्त दिखाई दिए। उसके थोड़ी ही देर बाद कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी भी अपनी वोट देने पहुंचे। लेकिन बीजेपी समर्थित चेयरमैन को बताना देख समय से पहले ही लघु सचिवालय से चलते बने। 23 साल की उम्र में हरियाणा की सबसे छोटी उम्र की कैथल नगर परिषद की चेयरमैन बनी सीमा कश्यप। एम की पढ़ाई के साथ साथ शहर की छोटी सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी सीमा कश्यप। 7 महीने बाद बीजेपी की शिकस्त देते हुए रणदीप खेमे ने बाजी मारी। कर्नाटक की तर्ज पर एक बार फिर से कांग्रेस ने जीती हरियाणा के कैथल नगर परिषद की चेयरमैन की कुर्सी। सुरजेवाला ने कांग्रेस की जीत बताते हुए कहा कि शहर में होगी विकास की लहर, रुके हुए कार्यों को मिलेगी गति। खट्टर सरकार तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार के अब केवल 7 महीने बचे हैं। अब उन्हें लाल को चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए थे, वे कैथल की नगर पालिका को ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक देंगे तो अपना फ़ायदा निभाएं और बिना किसी भेदभाव के कैथल के विकास को और अपने रुके हुए कार्यों को जल्द शुरू करवाएं। कैथल से एटीवी न्यूज चैनल के लिए मनोज मलिक की स्पेशल रिपोर्ट।